ब्रेकअप के बाद एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के बारे में क्या सोचते थे सुशांत। सुशांत को क्यों लगता था कि उन पर अंकिता ने किए थे एहसान। अंकिता और सुशांत के रिश्ते पर उनकी दोस्त का बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत के इस तरह अचानक दुनिया छोड़कर चले जाने ने सभी को अंदर तक हिला कर रख दिया है। शुरुआत में बैकग्राउंड डांसर रहे सुशांत को 2009 में टेलीविजन धारावाहिक पवित्र रिश्ता से लोकप्रियता मिली थी। इस दौरान ही सुशांत अभिनेत्री अंकिता लोखंडे को दिल दे बैठे थे। झलक दिखला जा के मंच पर सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता लोखंडे को सबके सामने प्रपोज किया था। अब सुशांत की दोस्त और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट लिपाक्षी येलवाड़ी ने दोनों के रिश्ते को लेकर खुलासा किया है। ई टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में लिपाक्षी ने खुलासा किया कि सुशांत उन्हें संघर्ष के दिनों में अंकिता की तरफ से मिले सपोर्ट के लिए हमेशा ही उनका एहसानमंद महसूस करते थे। जब हम एक बार बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया था कि वो अंकिता लोखंडे के प्रति कितना ऋणी था। उसके मुताबिक संघर्ष के दिनों में अंकिता लोखंडे ने उनका हमेशा साथ दिया था। सुशांत में वो क्वालिटी थी लोगों को याद रखने की, जिसने उसकी मदद की थी। भले ही वो इंसान उसके साथ अब नहीं था, लेकिन उनके सपोर्ट के लिए उनके पीठ पीछे भी तारीफ करता था। उनका रिलेशनशिप भले ही खत्म हो गया था, पर सुशांत ने हमेशा अंकिता की तारीफ ही की। कभी भी उसके बारे में गलत नहीं बोला। वो बड़ा अच्छा लगता था। जब मैंने उसके बारे में न्यूज सुनी तो मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर पाई और कांप रही थी। उसके पास कितनी कहानियाँ थी, कितनी बातें थी। अचानक उसने दुनिया से चले जाने का फैसला कर लिया। लिपाक्षी ने खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत के इंडस्ट्री में ज्यादा दोस्त नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकती कि उसकी तरह का इंसान कैसा महसूस कर रहा होगा। हम सभी इंडस्ट्री में उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी दूसरी तरफ एक अंधेरा भी है। हम में से ज्यादातर के पास सच्चे दोस्त नहीं होते। जहाँ तक मुझे पता है, उसके पास ऐसे दोस्त थे जो साधारण बैकग्राउंड से थे और वो फिल्म के लोग नहीं थे। उसने मुझे बताया था कि उनके ज्यादातर दोस्त उसके स्कूल और कॉलेज से हैं, लेकिन उसने आगे ये भी कहा था कि थोड़ी बहुत दोस्ती यहाँ भी करनी पड़ती है। वेल, अंकिता और सुशांत के बीच किस वजह से ब्रेकअप हुआ ये तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इनकी जोड़ी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। और सुशांत के अंतिम संस्कार में भले ही अंकिता ना आई हो, लेकिन आज के दिन वो सुशांत की फैमिली से मिलने पहुंची। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफी इमोशनल दौर से गुजर रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी और सुशांत की पवित्र रिश्ता के वक्त की दोस्त प्रार्थना ने भी खुलासा किया कि अंकिता ने जब सब सुशांत के बारे में सुना, तभी से उनका रो रो कर बुरा हाल है। आपका क्या कहना है इस न्यूज़ पर, हमें लाइक्स, शेयर और कमेंट्स करके बताएं।